समंचेवाद बदमाश दिन ढलते दे रहे हैं अंजाम। खंदोली पुलिस नहीं उठा रही है कोई कठोर कदम। कार सवार बदमाशों ने दिन ढलते ही तमंचा दिखाकर लूट की घटना को दिया अंजाम। आधा दर्जन सवार दो मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने आलू ले जा रहे ट्रैक्टर को रोक कर करीब 50,000 रुपए की लूट सूचना पर पहुंची थाना खंदोली पुलिस ने लुटेरे को लूट के पैसे को बंदरबांट करते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने घेराबंदी कर चार बदमाशों को पकड़ा। दो बदमाश पुलिस को तमंचा दिखाकर भागने में सफल हुए। पकड़े गए बदमाशों से कुछ नकदी मिली। थाना खंदोली इलाके के मूढ़ी रोड बॉस रिलाज की घटना सभी चोर गाँव जराऊ सदवाद बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर चालक जितेंद्र कुमार निवासी वेनई कला बरहन का रहने वाला है। वेनई से लौट कर आ रहा था ट्रैक्टर चालक पीछे से इको गाड़ी सवार बदमाशों ने की लूट। थाना खंदोली पुलिस ने बताया कि तरहरी से हिसाब के केस दर्ज किए जा रहे हैं। क्या घटना हुई है भैया आपके साथ? हमारे साथ जो हुई है कि हमारे ऊपर कट्टा दर्द दिया और ट्रैक्टर छुड़ा के एक ट्रैक्टर ले गया और हम गाड़ी बंद कर दिए तो कह रहे और इतनी मराई दी कि कोई जवाब नहीं है। क्या लोग थे? जे 10-12 लोग थे। कहाँ की घटना है? जे यहाँ की है वो रोड है वाला उसकी बात है। अच्छा कितने लोग थे उसमें? हथियार वत्यार क्या था उनके साथ? उनके कट्टाए और बंदूक थी दो। अच्छा अच्छा तीन चार। अच्छा अब वो पकड़े गए? पकड़े गए। तीन चार पकड़े गए। आपने सूचना की थी? हाँ जी भाई साहब निकल के भाज गए एकदम। वो पहुँचे फोन करवायो। आप कहाँ के हो? हम बह नहीं के। अच्छा ट्रैक्टर आपका है? हाँ जी। माल कहाँ से लोड किया था आपने? माल था ये बैनी से किया था ये सरजू प्लान जी।